नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथमे हेडलाइंस। आजिठारु प्रधानमंत्री मोदी चारिदिनिया अमेरिका गस्त। प्रथम थर पर मोदी बाइडेन भेटघाट। आलोचन अफगानिस्तान और विश्व आतंकवाद होइपारे प्रसंग। उभय नेता उपरे सारा दुनिया नजर। अन्यपटे मिलित जातिसंघ महासभा विश्व को संबोधन करिबे मोदी। आगामी 12 घंटा मध्य राज्य में प्रबल वर्षा। 4 जिले में प्रबल अति प्रबल बर्षिबो। 11 जिले में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान। किछि जिले में वज्रपात नहीं अलर्ट जारी। विदेश आसुची ओडिया श्रमिकों मृतदेह आज भुवनेश्वर पहुंचबो। प्रदीप पहानों मरशरीर। ओमान राजधानी मस्कट रे गाड़ी दुर्घटन होता मृत्यु। प्रदीप शव पर लोकों पाखे पहुंचाइबा को बाहरीन प्रवासी ओडिया समाज प्रयास। तृतीय लहर आशंका भितर आसिला भल खबर। कमुची संक्रमण देशर कमिला भाइरस आर भैल्यू। सेप्टेम्बर मध्य सुधा आर भैल्यू एक रु कम। एयर मार्शल भिआर चौधरी हेबे देशर परवर्ती वायुसेना मुख्य। सेप्टेम्बर 30 रे ग्रहण करिबे दायित्व। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर दिगला सूचना। अंधकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केन्द्र भाग्य। लक्ष्य ठारु बहु दूर योजना। घंच जंगल में परिणत होगा बसला उत्कर्ष केन्द्र। कार्यक्षम होगा पूर्व लगी कलंक। मानव श्रमिक चालाण महाखुलासा। देश में सर्वाधिक 653 जन मानव श्रमिक ओडिशा चालाण। एनसीआरबी रिपोर्ट में प्रकाश। सरकार को घेरिले विरोधी कहले मुख्यमंत्री जिले में राज्यर सर्वाधिक दादन। एवं पशु मनीष निविड़ संपर्क उदाहरण। कुकुर मृत्यु पर कले अंत्येष्टिक्रिया। मुंडन हो झरइले लुह। फटो छापी धूप पुष्पमाल्य कले अर्पण। कुकुर चंपीर मन और आत्मा को भद्रक चरंपा बजार। व्यवसायी सम्मान। एवं संपूर्ण खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गस्त। चारिदिनिया अमेरिका गस्तरे जाउछंती प्रधानमंत्री मोदी। 2014 मसीहा परठु एहा प्रधानमंत्री सप्तम अमेरिका गस्त। प्रथम थर पर विश्वर सबुठु लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी भेटिबे। विश्वर सबुठु शक्तिशाली नेता बाइडेन को सारा विश्व नजर उभय नेता रही। आज मोदी विलंबित राति आमेरिकार पहुंचे। सेप्टेम्बर 23 आमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस को भेटे। यापर 24 सेप्टेम्बर न्यूयॉर्क में आयोजित होगा क्वाड बैठक में जोगदेवे। और सेप्टेम्बर 25 मिलित जातिसंघर महासभा सारा विश्व को मोदी उद्बोधन देवे। 24 सेप्टेम्बर होगा मोदी बाइडेन आलोचन अफगानिस्तान और विश्व आतंकवाद प्रसंग होपे। तेज तालिबान संपर्क में विस्तारवादी चीन रो जो भूमिका रही आलोचना परिसर को अणा जापे। अंपटे चीन सहित भारत बिवाद रही। एभली स्थित मोदी अमेरिका माटी आतंकवाद और विस्तारवादी नीति को रोकवाई नुआ गोटी चल पारती। आतंकवाद विरोध में मोदी नेतृत्व नहीं ग्लोबल लीडरशिप को आग को बढ़ाई पारती। आगामी 12 घंटा मध्य राज्य में प्रबल वर्षा। 4 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थी बेले 11 जिले में प्रबल वर्षा होपे आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा। तेज प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थी जिलागुड़ी मध्य केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और ढेंकानाल रही। 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करणिपा केन्द्र। एथस भद्रक जाजपुर कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुण और झारसुगुड़ा आदि जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। एसबु जिले में पाणीपा केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा। खोर्धा पुरी गंजाम गजपति कंधमाल नयागढ़ और बौद्ध आदि जिले में गोटे दुईटी स्थान में वज्रपात आशंका रही। से पाणीपा केन्द्र पक्षर आलर्ट जारी करा जाए। विदेश आसुची ओडिया श्रमिकों मृतदेह आज भुवनेश्वर पहुंचबो। प्रदीप पहानों मरशरीर। ओमान राजधानी मस्कट रे गाड़ी दुर्घटन में मृत्यु तांकर होता। प्रदीप शव पर लोकों पाखे पहुंचाइबा को
बाहरीन प्रवासी ओडिया समाज प्रयास करा जाय छी। विदेशरु आसुची ओडिया श्रमिकक मृतदेह ओमान रो राजधानी मस्कट रे कार्यरत ओडिया श्रमिक प्रदीप पाहानक मृतदेह को ओडिशा अणा जाउची। गंजाम जिला कमलापदर गाँव ओडिया श्रमिक प्रदीपक एक दुर्घटना रे मृत्यु होइतिला। से मस्कट रे डल्फिन ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी रे काम करूथिले। मोबाइल रिचार्ज करी राजपथ अतिक्रम करूथिबा बेले एक गाड़ी धक्कारे तांकर मृत्यु होइछि। प्रदीपक मृतदेह को तांक जन्ममाटी को फेरा आणिबा पई बाहरीन प्रवासी ओडिया समाज प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज प्रयास चलाइथिले। खबर पाई डॉक्टर प्रहराज ओमान रे भारत दूतावास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सीएमओ ओडिशा मो परिवार ओ कंपनी रा मैनेजर को सह जोगाजोग करथिले। प्रदीपक शव तांक परिवार लोकक पाखरे पहुंचि जीवो बोली डॉक्टर प्रहराज प्रतिश्रुति देइछंती। आज राति आम श्रमिक भाई स्वर्गीय प्रदीप पहाणर मृत शरीर एयर इंडिया विमान द्वारा मस्कट रु रवाना हेबो एवं भाया मुंबई काली बुधवार अपराह्न 2:30 रे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचिबो। यह सहित ईमेल द्वारा विदेश मंत्रालय अधिकारी श्री ज्ञान सिंह दिल्ली रु एवं भारतीय दूतावास मस्कट रु मते जणैछंती जे ओमान रे फसि रहितबा 9 जण आम श्रमिक भाई मानंकु एही मास शेष सुद्धा फेराई आणिबार व्यवस्था करा जाउछि। यहाँ पई मोर आम केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं भारतीय दूतावास को अशेष धन्यवाद। किंतु संपूर्ण कार्यर संपादन न हेला पर्यंत मु फॉलोअप मु जारी रखिबी। अन्यपटे ओमान डल्फिन लाबोर क्यांप रे फसी रहितबा 9 जण श्रमिकंकु फेरा आणिबा पई मध्ये डॉक्टर प्रहराज चेष्टा चलाइछंती। मंगलवार विदेश मंत्रालय पक्षरु प्रतिश्रुति मिलिबा परे 30 सेप्टेम्बर भितरे सबु श्रमिक मानंकु फेरा आणिबार व्यवस्था करा जाउछि। एथिरे डॉक्टर प्रहराज समस्त अधिकारी सह राज्य और केन्द्र सरकार एवं भारतीय दूतावास को धन्यवाद ज्ञापन करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देशरे सेप्टेम्बर में तृतीय लहर आसीबा नै आशंका थिला किंतु यार भितर आसी भल खबर। देशरे कमुछि कोरोनार प्रभाव भाइरसर आर भैल्यू एबे 1 रु कम हो जाइछि। अगस्त शेषे आर भैल्यू 1.17 रु ह्रास पाइ सेप्टेम्बर मध्ये 0.92 होइछि, जहाँ दर्शाउछि देशरे कोरोना संक्रमण प्रसार कमिबार लागिछि। तेबे मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगालुरु रे आर भैल्यू 1 रु अधिक रहिछि। दिल्ली एवं पुणे रे आर भैल्यू 1 रु तळकु खसि आसीछि। भाइरसर आर भैल्यू गोटे संक्रमित व्यक्ति हाराहारी केते जणकु संक्रमित करिथाय ताकु दर्शाइथाय। एयर मार्शल बीआर चौधरी हेबे देशर परवर्ती वायुसेना मुख्य। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर एने सूचना दी जाइए। वर्तमान वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल आरकेएस भावेरिया आसंता सेप्टेम्बर 30 रे अवसर ग्रहण करेंगे। यापर एयर मार्शल बीआर चौधरी एक दायित्व ग्रहण करेंगे। एयर मार्शल बीआर चौधरी वर्तमान वायुसेनार वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ सह विभिन्न स्तर विभिन्न कमांड एवं स्टाफर दायित्व संभाली। झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सा अवहेला अभियोग। प्रसूति लेबर रूम जीवा बाटे माँ पेटर खसला शिशु उभय प्रसूति और नवजात मृत्यु होती। डाक्टर और नर्स अवहेला जो एभली एक बड़ अघटन घटी जा। किरमारी ब्लॉक नक्सापाली गाँवर सुनीता बेहरा को प्रसव बेदना होवर सोमवार जिला मुख्य चिकित्सालय से भर्ती होते हैं। डाक्टरखाना कार्यरत नर्स और डाक्टर अवहेला जो लेबर रूम जीवा बाटे प्रसव होता और नवजात शिशुटी चट्टान पड़ जाता परे प्रसूति चेताशून्य हो जाते। ठीक समय सुनीता रक्त न दिजार मृत्यु घटी। जदि सठिक समय चिकित्सा होता तेरे नवजात और निज बहु बची जाते बोली कोहभरा कंठर कहते प्रसूति शाशु। उल्टासन कर उल्टासन कर छुआ नि न कहले न कहले बोले पैसा तो नहीं नमें कहला जी पैसा तो कर नहीं पार के आम 20,000-40,000 टा करमा कह आर उल्टा ये ठान के ब्लड डैमेज जो जे तर माल तो करी कामा कहले मो बहुर छुआटा खाली खाली टाड़ू बोलिक कहला खाली टाड़ू कहला बोले मेडिकल नहीं जो भर्ती करदेमा बोलिक कहली मुझे इनू नेलु तो कल भर्ती करलु कि तीन टाइम इंजेक्शन दे हाँ तीन टाइम इंजेक्शन दे रात पेन है कैसे 6 के छुआ से उठेक मानि अन्य बोली कहला बोले आम दुई लोक दुई माँ पुन धरिकी गलु बोले अदा बाटे से रूम के ढुके से छुआ पड़गला छुआ पड़गला बोले टी मुझे कहली छुआ पड़गला दीदी दौड़ कहली दौड़ी आसला कहीं धरिकी काटिदेला
काटी देला से से छुआ मु धरली आ से मोर बहु का ये धरकरी से नसकरी भीतर के ढुकाले बोले बलट लाग बलट बलट लागबा कहला बलट लागलबा कोली कहले बोले तनु हमें दौड़ा धुपा करिनो दौड़ा धुपा करी के आबा के से आड़े से मोर आरु तार होस नै थे बोले से काणो लगे देला कि नाके काणा लगासन मु जाने मानव श्रमिक चालान रे महा खुलासा करिछि एनसीआरबी रिपोर्ट ए रिपोर्ट अनुसार देश रे सर्वाधिक 653 जन मानव श्रमिक ओडिशारु बाहर को चालान होती जहाँ सरकार को टार्गेट करिछन्ति विरोधी विरोधी कहवा कथा राज्यर सर्वाधिक दादन मुख्यमंत्री जिलार रही मुख्य कारण ओडिशारे सेमानकु काम मिलुनि नुआपड़ा जिला कोमुना करंगा भत्ता गाँव देवार्जन छत्रिया तीन झी और गोटे पु एवं स्त्री सह परिवार गरीब लोक होम अन्वेषण में पेट पाटणा पर निज सह सुदूर हैदराबाद पैदा पलाई जाते कंटाबांझी सहर जड़े दादन सरदार 70,000 टंका दे एवं हैदराबाद नहीं कहते देवार्जन तबे सेठारे इटा फाटी मालिक मारपीट करिवार जीवन बचाई लुचि पलाई आसिबाकु बाध्य होइतिले उभय बापा झियो सेहिपरी कलाहंडी जयपाटणा पिपलगुड़ार दियालुनियाल ओ नुआगड़ार नीलांबर धंगड़ा माझीक हाथ कटा घटना चांचल्य खेलाई देथिला सेही घटना रे गत सोमवार दिन दादन सरदार को गिरफ्त करी कोर्ट चालन करा जायछे घटना समय रे राज्य सरकार 4,00,000 टंका देबापई प्रतिश्रुति देले किंतु 2,00,000 टंका दे ठकी देले दियालुनियाल भूमिहीन होइतबा बळे 4 डेसिमल जागा देबा सह आवास योजना रे शामिल कराजिबा कथा मध्य फसर फाटिगला बुढ़ीमा ओ पुओ संसार रे रोजगारिया पुओर हाथ कटा परे बेसहारा होई पड़ी रहिछंती खाली एही दुईटी घटना नुहे थुआमूल रामपुर थाना सिंधी पदर पंचायत समालपरा गाँव डुमेन माझीक सान पुओ बिनारंगसी माछी दातन खटिबाकु जाय तमिलनाडुर सरकारी मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु घटिथिला अर्थ अभाव जको सब गाँव को फेरी पारि नथिला 60,000 टंका देथिले सब गाँव को पहुँचि थांता मृत्यु श्रमिकक परिवार 21 बुधवार तमिलनाडु पहुँचि सब दाह करथिबा सूचना मिलिछि हमार जी के मुई हमार जी संगे जाइल मुई हमार जी संगे भागे आसनु खूब मारा पिटा करूला मके मोर मोबाइल के भी दिन एक नहीं गला मके आपिस ते मारमी बोल कर मोर हाथ के धरीला लेकिन मके माझी पिला बोल कर मानी नहीं पाला हमार नोनी मान जा रहे ना हमार घर वाला करके जो पैदा पुले जा रहे हैं हाँ। तो मारा पिटा करी ताली लुका के भाग आए काम को बार मिलते इसके लिए जाते ना कहाँ गया लीलांबर धमरा माझी घर मौके निकल खेपे दिला 2,00,000 टंका खेई दिला आदि निदम काल के निदम बोले पैसा कोयला केवे भी नहीं आई दिला केवे भी नहीं आंगल आके से मने हमके जबरदस्त ने 15 दिन पूरा रखले राम गोटे मोर खाबार आर गोटे पान नहीं खाबार आर हमके पिटा मरा भी कर आर जेन घर दम बेले हटा भी नहीं दिला आर जगह 4 डिसमिल दम बेले हटा भी दिन नहीं परवा सेपटे दातन दुख अर्थात मानव श्रमिक चालन रो मोहा खुलासा करिछे एनसीआरबी रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार देश में सर्वाधिक 653 जन मानव श्रमिक ओडिशा रु बाहर को चालान होती 2020 मसीह कोविड महामारी बेले समग्र देश में 1,247 मानव श्रमिक जोर जबरदस्ती बाहर को चालान होता बेले केवल ओडिशा रु 653 जन बाहर को चालान होती जहाक नहीं सरकार को टार्गेट करिछंती विरोधी विरोधी कहिबा कथा राज्यर सर्वाधिक दातन मुख्यमंत्री जिलारु रही सबु जिलारु लोक माने गुजरात मध्यप्रदेश तमिलनाडु आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र और कर्णाटक भली राज्य को जाई सूताकण चूड़ी कारखाना निर्माण श्रमिक भली कार्य करि सेही राज्य मानंकर आर्थिक मानदंड को शीर्षरे पहुंचाई मुख्य कारण ओडिशारे सेमानंकु काम न मिलिपारु बोली कहिछंती विरोधी जहार जवाब रखी बीजेडी सर्वाधिक क्राइम गंजाम एवं ब्रह्मपुर अंचल आउ सर्वाधिक दादन मध्य से अंचल जाणु गोटे पटे निजुक्ति पार ना आउ गोटे पटे अपराध बढ़ुची
ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ଗାଁ ଲୋକ ବେଶୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଲୋକ ବେଶୀ ଦାଦନ, ତମେ ସିନା ଏଠି ରହିଯାଇଛ ମନ ସେଠି ଦାଦନ ତମ ଗାଁରେ। ଆମେ କେହି କୋଟି ୱାର୍କିଂ ଡେ ଯାହା ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଇକି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖଣି, ଖଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ତଟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ବା କୁହାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭାରତ ବିସି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଥମ ଖବର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଲିଆପାଳ ସୂତାକଳ ଏବେ ଭୂତକୋଠି, କିଣିଥିବା କମ୍ପାନୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି 1000 ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ସୂତାକଳ। ଦୁର୍ଦିନରେ ବାଲିଆପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ, ସୂତାକଳ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। 13 ବର୍ଷ ଧରି ସୂତାକଳରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶୁନଶାନ କୋଠାଘର, ପକ୍କା ଘରର ଠାଏ ଠାଏ ଦ୍ରୁମ ବସା କଲାଣି, କେଉଁଠି ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି କବାଟ ଝରକା। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଭୂତକୋଠିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନାପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲା। ବାଲିଆପାଳର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ କମ୍ପାନୀରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ସରକାରୀ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ସୂତାକଳ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେକାର ହେଇକି କିଏ ପରିବା ଚାଷ କିଏ ଏମିତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଛୁ। ଯଦି ସୂତାକଳ ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ସେତେ କହିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ କରି ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ସେଠି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ। ମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ କେତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତା ସରକାର ସବୁବେଳେ ତ ହଁ ଚାଲୁ ହେବ ଏଇ କହିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଆଜି 8-10 ବର୍ଷର ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କଲେ ସେମାନେ ବରବାଦ ଦେଇକି କିଏ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୟସ ବି ହେଲାଣି ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସରକାର ଦୟାକରି ଯଦି ସୂତାକଳ ତ ଚାଲୁ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତେ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। 80 ଦଶକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସୂତାକଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1992 ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସୂତା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ ବେଶ୍ ନାମ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ଲାଭରେ ଚାଲିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସୂତାକଳର ଦୁରାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2017 ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏହି ସୂତାକଳକୁ କିଣିଥିଲା। ତେବେ ମିଲ୍ ଚଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ମିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରାତାରାତି ଗାୟବ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠିକାର MLA ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେଉଁ ସୂତାକଳ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି 500 ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆଉ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋପୀନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ସେହିଦିନଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରର ଅପାରଗତା, ସରକାରର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁ। ତାପରେ ବାଲିଆପାଳରେ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ସୂତାକଳ ନ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କିଛି ଶିଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସରକାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ। 2008 ପରଠାରୁ ଯେତେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବାଲିଆପାଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ମିଲ୍ କର୍ମଚାରୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସୂତାକଳ? ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
अंधकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कर्ष केन्द्र भाग्य मयूरभंज जिले में कोटि कोटि टंका व्यय केन्द्र निर्माण होता मात्र कार्यक्षम हो पारानी फल रक्षणाबेक्षण अभाव मटी में मिशवाक बस मिशवाक बसानी उत्कर्ष केन्द्र लक्ष्य ठारु बहु दूर योजना कोटि कोटि टंकार निर्माण है किंतु कार्यक्षम हलानी आम कौ कोटि कोटि टंका व्यय मयूरभंज जिले में उद्यान कृषि विभाग पक्षर निर्मित होता यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा उत्कर्ष केन्द्र कथा भंगारुजा अवस्था पड़ रही स्थानी खंच जंगल में परिणत होगाक बसला निर्मित घरगुड़िक काम न आसवर क्योंठी कांथ फाटी आ कलानी तो आउ क्योंठी टाइल सबू उठीगला इलेक्ट्रिक ट्रांसफर्मर भी लेटा बसला ठंडा और गरम चेम्बर गुड़िक कलंकी लगला एठार प्रशिक्षण पाई मयूरभंज अंचल लोके स्वावलंबी होते नूतन कौशल सह नुआ प्रजातिर चाष कर देशर आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ करते हैं निर्माण कार्य सरी जाते कार्यक्षम होगा पूर्व एठारे लगी कलंक आ अफसीजन के चाष कर लोक मानक ट्रेनिंग दिया लोक मैंने बेनिफिशरी चाषी को ट्रेनिंग दिया दिवी से सेंटरटा खुला ही थिला। तो चली दुई वर्ष पर्यटन आराम से भरले चली गोटे से को कंपनी गोटे थिला से कंपनी आसी करूला कम चली आप फूल होता जारबेरा होता विभिन्न रकम फूल होता गोलाप होता भेजिटेबुल होता दुख लगे कांद लगे लुह बाहर आखिर कहीं आमर ये गोटे है लोक लोकाल लोक आज सरकारी पैसाटा जहाँ भी खर्च होती गोटे बर्बाद पड़ेगा बैगण बिलाती आ जारबेरा फूल आजा चाष होता ये तो सार ए तो कौन ना पड़ी सार पड़ी ये तो किसी कम ही हूँ कई लोक भी पशुना कई तो देखते भी आसुना कौन है कौन ना श्यामाकुंटा कृषि विज्ञान केन्द्र ठार दस एकर जमी अधिग्रहण कर यार निर्माण योजना कर भुवनेश्वर डेराज ठारे होइतिबा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परे मयूरभंज जिलार श्यामाकुंटा ठारे एही केन्द्र कराजिबा योजना करा जायतिला उद्यान कृषि विभाग एनएचएम फंड रु एक कोटी तीस लक्ष टंका व्यवराद रे प्रथम यार निर्माण कार्य आरंभ करा जायतिले हे परवर्ती पर्याय रे जिलार डीआरडीए ओआई टीडीए विभाग रु टंका एथिरे लागिबा परे यार निर्माण समाप्त होइतिला प्रारंभिक पर्याय रे एठारे उन्नत मानर कैप्सिकम टमाटो बैगण और अन्यान पनीपरिया जालभेरा जातीय दामिका फूल चाष उत्पादन सह प्रशिक्षण देवार व्यवस्था होता हेले कृषि विभाग पक्षर यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अनुमोदन न मिलवर यह संपूर्ण बंद हो जाता केन्द्र निर्माण पछरे बड़ षड्यंत्र रही अभियोग आनी विरोधी एपरिक दुर्नीतिर पर्दाफाश करार पुनः कार्यक्षम पर जोर धरी दाबी जनसाधारण अर्थ को जो बाटमाराणा कर सरकार ए सरकार शीघ्र पदक्षेप नौतु जो माने ए प्रकार अन्याय कर दुर्नीति कर सीधा सड़क भाव में काठगोड़ा को निया निकटने आक्शन करा जाओ एटी समस्त आशा थिला एटी फूल हबो फल हबो पनीपरिया चाष हबो रोजगार तैयारी हबो किंतु दुर्भाग्यर विषय ये फल दबना फूल दबना रोजगार दब जिते गुड़ा सेड तैयारी सेड आज अकामी होगा से साढ़े चार एक से दस एकर जमी बा साढ़े चार हेक्टर जमी आज सीए जंगल रे परिणत हो गला गोटे कृषि बिल कृषि क्षेत्र ये अत्यंत दुर्भाग्यर विषय दुखर कथा उत्कर्ष तो किसी है ना से निर्मित होता सब घर एवं सब सरंजाम आज नष्ट बस बहु कोटी टंका व्यय अटकल कर मयूरभंज चाषी मान उन्नत किंतु किसी लाभ ना वर्तमान से गुड़ा सब नष्ट बस सरकार का माल दरिया में डाल पड़ी कोटी कोटी टंका व्यय निर्मित यह केन्द्र भविष्य एवं अंधार रे प्रशासनिक अधिकारी दूरदृष्टि अभाव जो बंद हो पड़ी केन्द्र बारीपदारू कैमेरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कुकुर चेहरा भितर तार मन किंतु आत्मा थिला भिन्ना से तो चंपी ना दे झियो भाबे देउथिले स्नेह आउ सही झियो चंपीर मृत्यु परे मुंडन होइछंती मणिष आउ झराइछंती लोह केवल एतिक नहे विधि मुताबक चंपीर पालन होइछ अंत्येष्टि क्रिया ओ दिया जायछि भुजी देखिबा रिपोर्ट।
ଚରମ୍ପା ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି କୁକୁର ଚମ୍ପିର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। କୁକୁର ତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଚମ୍ପିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଚମ୍ପି ଥିଲା ଏକ ଝିଅ ଭଳି। ଝିଅ ଚମ୍ପିର ଦ୍ୱାଦଶହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଛନ୍ତି ଶୋକ। ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ତାର ଫଟୋ ଛାପି ଧୂପ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କିଏ ନିଶଦାଢ଼ି କାଟି ଚମ୍ପି ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପି ସହ ବିତିଥିବା ଆତ୍ମୀୟତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମରନାଥ ଜେନା କହନ୍ତି, ଚମ୍ପି ମୋର ଝିଅ ଥିଲା, ମିଠା ବିସ୍କୁଟ୍ ତଳେ ଦେଇଦେଲେ ମୁହଁ ଫେରାଇନିଏ, କାଗଜ କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଲେ ଖାଏ, ବଜାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତାକୁ ହରାଇବା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ପାଳୁଛୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। 2006 ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଏଠି ଛୋଟବେଳୁ, ତାକୁ ନାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼େଇଲି ଚମ୍ପିକି, ଚମ୍ପି ଡାକୁ, ଝିଅ ବି ଡାକୁ, ହେଲା। ମାନେ ସେ କିଏ କୁକୁର? କୁକୁର କୁକୁର ଶବ୍ଦ ଧରନ୍ତୁ ନି, ଚମ୍ପି ଚମ୍ପି ବାସ। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଠା ଯାହା ବି ଦେମୁ ସେ ତଳେ ରଖିନେବି, ସୁଦ୍ଧା ପେପର୍ରେ ଦେନେ ସେ ଖାଇବ, ମିଠାରେ ଦେନେ ଦୁନାରେ ଦେନେ ଖାଇବ, କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିନି ତାକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏ ବଜାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଏ, ତେଣୁକରି ସେଇ କାମଟା ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ। ଚମ୍ପିର ଫଟୋ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୁଲା ପଶୁଟି ପ୍ରତି ଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଭୋଜିରନ୍ଧା ଓ ଖିଆପିଆ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା ଏକ ଛବି ତୋଳି ଧରିଛି। ଚମ୍ପିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ସୁନାକର ଦାସ ଓ ତପନ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2006 ଚମ୍ପିର ଜନ୍ମ, ମା ତାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚମ୍ପି। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାଳିଥିଲୁ। ସେ ଅଇଁଠା ଖାଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜିଦ୍ କରି ଖାଇବା ଛଡ଼ାଉଥିଲା। ବହୁତ ଆଉ ସ୍ନେହର ପାଳିଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ କତୁରୁ ନେଇକି ଆମ ମୁଁ ବି ଆଫିସିଆଇରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ମିଠେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେମି, ସେ ଖାଇବ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆଦେଇ କରି ସେ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ମରିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଦଶ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ମାରୁଥିବେ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଯଦି ପଳେଇଗଲା ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ ମାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କହିଲା ଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିକି ଗାଳି କରିବେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଚମ୍ପିକି ଗାଳି ଦେଲ, ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁରେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଣ୍ଡା ହୋଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ, ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ହୋଇକି ସୁଧିକ୍ରିୟା, ଯେମିତି ବାପୁନ ଯେହେତୁ ପାନ ଦୋକାନୀ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ ପାଳିଥିବାରୁ ସେ ତା'ର ଆଜି ସୁଧକ୍ରିୟାରେ 11 ଆଜି 10 ନଣ୍ଡା ହୋଇଛି। ଆଜି 11 ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲେ ଯେମିତି 11 ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚରମ୍ପାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚମ୍ପିକୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପଶୁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିରଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମ ଖବର ସମୟ ସରିଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।